अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से आप सभी को मैं BSU एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेक्चर नंबर 8 में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सभी को SU एक्सपर्ट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दे सकूँ। तो इससे पहले मैं SU एक्सपर्ट ट्रेनिंग के 7 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, जो कि मेरे इस चैनल टेक्निकल प्लेस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप इस पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर आप SU एक्सपर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, ठीक है। तो और मेरा एक कोर्स और चल रहा था जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, जो कि इवेंट ब्लॉगिंग था, ठीक है, इवेंट ब्लॉगिंग। तो उसका जो लास्ट पार्ट था वो आज मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है, ऑटो इवेंट ब्लॉगिंग का। और इसका रिजल्ट मैं एक दफा सिखाते चलो कि SEO का जो रिजल्ट है, ठीक है। तो कई लोग सोच रहा है कि मैं SEO जो दे रहा हूँ ट्रेनिंग वो फ्री का है, इसलिए फिजूल का ट्रेनिंग है, ठीक है। तो उन सभी के लिए मैं एक लाइव एग्जाम्पल देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक आज लाइव एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो मैं जो वेबसाइट को SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, मैं जिस वेबसाइट को लेके चल रहा था SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के अंदर, उस वेबसाइट रैंक कर रही, ठीक है। और इसी वेबसाइट को मैं आपके सामने 3 डेज पहले इसको बनाया था, और इस वेबसाइट जो है रैंक पे आ चुका है, ठीक है, जस्ट ऑन पेज SEO से कुछ वेबसाइट रैंक पे है। वो मैं आप सभी को आज लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। तो जिसको भी लगता है कि ये ट्रेनिंग फिजूल का है, ठीक है, उन सभी के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आप देखो भाई, जो वेबसाइट है मैंने 2 दिन पहले ही बनाई है, और इसमें जो आर्टिकल था वो पोस्ट वगैरह खुद ब खुद हो रहा है, और इसके SEO भी खुद हो रहा है। तो इसका वेबसाइट रैंक कर रहा है। तो अगर ये वेबसाइट रैंक कर सकते हैं जो, तो फिर जो वेबसाइट में मैनुअली लेकर चलूंगा तो आप सोच सकते हैं कि वो वेबसाइट कितना रैंक करेगा, ठीक है। तो मैं वेबसाइट का रैंकिंग चेक करने के लिए AirApps को ओपन कर लेता, ठीक है। तो मैं AirApps पे लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं AirApps के डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरी इस वेबसाइट की रैंकिंग चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है। या फिर इस वेबसाइट को मैं अब सर्च करूंगा। मैंने इस वेबसाइट को इवेंट ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर आपके सामने 2-3 दिन पहले ही क्रिएट किया था, ठीक है। अब देखो इसका इसका जो एक कीवर्ड आप देख सकते हो, एक कीवर्ड जो रैंक कर रहा है, एक ऑर्गेनिक कीवर्ड आ चुका है इसका, ठीक है। ये तो बस शुरुआत है, एक कीवर्ड है, बस शुरुआत है। आगे आगे देखते जाओ इसका कितना कीवर्ड जो रैंक कर रहा है, और ये रैंक कहाँ कर रहा है, यह है ICC वर्ल्ड कप 2019। इसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हो 10,000 है इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो पोजीशन है 75 पे रैंक कर रहा है इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया में 75 में रैंक कर रहा है, आप देख सकते हो 75 में दाखिल कर रहा है। मैं अभी इसको अभी चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये जो रैंकिंग आई है 16 अक्टूबर को, आज क्या है, आज 18 अक्टूबर, तो 2 दिन पहले रैंकिंग आई है। तो रैंकिंग में थोड़ा ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो ये चला गया है शायद रैंकिंग से, लेकिन फिर से वापस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बस फोन पे से ये हाल है, अगर मैं इसको प्रॉपर इससे करूँ तो ये कहाँ पे आ सकती है। तो बस मुझे ये दिखाना था जो ये एचआर है या फिर जो ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, ठीक है, फिजूल नहीं है। आप जो भी इसको सीरियस लेगा उसका मैं कहते उसको उसको ये फायदा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर जो था हमारा ये BSU एक्सपर्ट ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 8 है, और इस पे मैं आप सभी को आज दिखाऊंगा डोमेन बाइंग, डोमेन और होस्टिंग के बारे में। मीन्स जो है एक्सचेंज के लिए हमें कौन सा डोमेन सही रहेगा, और होस्टिंग के लिए कौन सा होस्टिंग चाहिए एज ए बिगिनर, ठीक है। तो और एफिलिएट के लिए भी मैं डोमेन आज बोल दूंगा कि एफिलिएट के लिए भी कौन सा डोमेन सही रहेगा, ठीक है। तो एक्सचेंज के लिए हमें जो चाहिए, तो डोमेन आप सभी को पता ही होगा कि डोमेन 3 टाइप्स का होता है, ब्रांड डोमेन, EMD डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन, और PMD डोमेन, पार्शियल मैच डोमेन। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे ऑटो इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर, ठीक है, ऑटो इवेंट ब्लॉगिंग के पार्ट 3 में शायद मैंने डोमेन के बारे में ओवरव्यू दिया था, ठीक है। और तो आपको उस वीडियो को आपको देख लेना है, ठीक है, या फिर शो कर देता हूँ वीडियोज को। तो मैंने डोमेन के बारे में जो बोला था, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर, ठीक है, मैं ऑटो इवेंट ब्लॉगिंग के पार्ट 2 के अंदर बोला था, फिर
पार्ट टू वाला वीडियो को देख लेना है डोमेन के बारे में मजीद जानकारी के लिए। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा ओवरव्यू देते चल रहा हूँ कि जो ब्रांड डोमेन, ईएमडी डोमेन और पीएमडी डोमेन, तो हमें एडसेंस के लिए जो चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू, एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए ब्रांड डोमेन, ठीक है। हमें ब्रांड डोमेन चाहिए, ब्रांड डोमेन की जो एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। एक दफा फिर भी मैं बोल तो चल, डॉट कॉम होना चाहिए, ठीक है, डॉट नेट होना चाहिए, सॉरी, और डॉट ओ आर जी, ये थ्री जो है रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर आप लेना चाहो तो डॉट इन फो भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको इन तीनों में से किसी एक को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डोमेन आप कहाँ से खरीद सकते हो, डोमेन रजिस्टर, तो मैं डोमेन रजिस्टर या फिर बोलते चलो डोमेन रजिस्टर होगा, ठीक है, होगा गोडैडी, ठीक है, नेम नेम चिप, ठीक है। इस दोनों को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आप इंडिया से हो, ठीक है, तब आप बिग ड्रॉप से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये वॉलेट को लेता है, वॉलेट, ठीक है, जैसे कि पेटीएम, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, तो आप इससे खरीद सकते हो, ठीक है। तो डॉट कॉम, डॉट नेट और डॉट ओ आर जी, आपको इन तीनों एक्सटेंशन में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके बाद अगर चाहो तो डॉट इन्फो भी ले सकते हो, ठीक है। और ई एम डी डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन आप एक्सेंस पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अप्रूवल भी नहीं देता है और वो बहुत ही जल्दी आपकी वेबसाइट को डीइंडेक्स भी कर देगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो तो ई एम डी एंड पी एम डी डोमेन, पी एम डी डोमेन आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेरे राय माने तो पी एम डी डोमेन भी मत लो, आप एक ब्रांड डोमेन ले लो, ठीक है। ब्रांड डोमेन मीन्स क्या होता है कि आप मान लीजिए आपकी जो नीच है, आपकी जो नीच होगा, ठीक है, आपकी मान लीजिए आपकी नीच है, ठीक है, मैं यहाँ पे नीच लिखता हूँ, नीच है आपकी वेडिंग, या फिर मान लीजिए नीच आपकी जो है हेल्थ, वेडिंग या फिर हेल्थ, ठीक है। तो इसके अगर आप ब्रांड डोमेन लेने जाओ तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि ब्रांड डोमेन हो गई लिको डॉट कॉम, ठीक है, ब्रांड डोमेन हो गई, या फिर आप ले सकते हो न्यू मीनू, न्यू मीनू डॉट कॉम, ठीक है। तो आप इस तरीके से ब्रांड डोमेन ले सकते हो। तो ये होती है ब्रांड डोमेन, ठीक है, होती है टाइप्स ऑफ ब्रांड डोमेन, एग्जाम्पल ब्रांड डोमेन एग्जाम्पल, ठीक है। तो डोमेन वगैरह कैसे खरीदना है, क्या करना है, मैंने सब कुछ ऑटोडेस्क ब्लॉगिंग के सीक्रेट पार्ट पे बोला हुआ, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देते चल रहा हूँ, ताकि जो लेक्चर जो है ज्यादा बड़ा ना हो, और मैं बहुत ही जल्दी आपको एसईओ भी सिखा दूँ, जैसे कि मैंने बहुत ही जल्दी आपको इवेंट ब्लॉगिंग सिखा दिया और इसको मैंने रैंक करके भी दिखा दिया आपके सामने, ठीक है। अब डोमेन के बाद, डोमेन के लिए एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि डोमेन जब रजिस्टर करोगे, ठीक है, तो कितने दिन के लिए डोमेन को रजिस्टर करना चाहिए। तो डोमेन को आप कोशिश कीजिए सेशन ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए डोमेन को अगर आप रजिस्टर करना चाहते तो कोशिश कीजिए कम से कम आप हो सके तो 5 ईयर्स के लिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर 5 नहीं हो पाए तो 3 ईयर्स, ठीक है, कोशिश कीजिए, या फिर 2 ईयर्स, क्योंकि डोमेन की जो एज है, ठीक है, डोमेन एज भी वैल्यू रखता है एसईओ के अंदर, ठीक है। ये बात अब ध्यान रखना कि डोमेन की एज जो है वो एसईओ के अंदर वैल्यू रखता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, डोमेन की एज भी एसईओ के अंदर
फैलू है, जो डोमेन जितना ओल्ड है वो रैंक आने के चांसेस ज्यादा है। तो इसी ट्री को हमारी जो नया वेबसाइट है तो ओल्ड नहीं हो सकती, तो हम ज्यादा टाइम के लिए उसको रजिस्टर करेंगे तो गूगल के लगेगा कि ये ज्यादा टाइम के लिए आए है, तो हमारी वेबसाइट को ज्यादा वैल्यू देगा। तो होस्टिंग के बाद डोमेन के बारे में मैंने सब कुछ यहाँ पे जानकारी दे दी है, ठीक है। आप होस्टिंग के बात कर लेते हैं, ठीक है। और उससे पहले एफिलिएट के लिए आप कौन सा डोमेन खरीदना सही होगा, तो यहाँ पे मैं बोलता चलो एफिलिएट के लिए जो ब्रांड डोमेन है, ठीक है, वो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। आप चाहो तो ले सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है आप ले सकते हो, लेकिन नॉट रिकमेंडेड है। आप EMD डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन, आप यहाँ पे जो मेरा वीडियोज है, ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड वीडियोज है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे बिल्कुल फुल्ली डिटेल के साथ समझा चुका हूँ कि क्यों हमें EMD डोमेन चाहिए, ठीक है। EMD डोमेन या PMD डोमेन आप ले सकते हो एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, मतलब एफिलिएट वेबसाइट के लिए। तो एफिलिएट वेबसाइट कौन कौन सा है, एफिलिएट नेटवर्क, ठीक है। तो एफिलिएट नेटवर्क के अंदर आ जाती है Amazon, ठीक है, Amazon, क्लिक बैंक, ठीक है, Amazon क्लिक बैंक। अब लेते हैं तो जेबीजू, ठीक है, जेबीजू। तो इसके अलावा आप Amazon एफिलिएट, आप बहुत सारे वेबसाइट के एफिलिएट प्लेटफॉर्म को कर सकते हो, लेकिन जो मेन होता है Amazon, क्लिक बैंक, जेबीजू, उससे भी जो मैं ज्यादा रिकमेंडेड करता हूँ आप सभी को वो है रिकमेंडेड, में जो मेरा होता है, ठीक है, होता है क्लिक बैंक, क्योंकि क्लिक बैंक एक बहुत ही बेहतर डिजिटल प्रोडक्ट की प्लेटफॉर्म है। यहाँ से लोग डिजिटल प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि अमेजोन से नहीं लेता, अमेजोन से भी लेता है, लेकिन अमेजोन की जो वेबसाइट है तो अलग होती है, और ज्यादातर लोग एफिलिएट के लिए क्लिक बैंक को ही प्रेफर करती है। और मैं भी कहूंगा क्लिक बैंक ही सही है, और क्लिक बैंक के मुताबिक मैं पूरा डिटेल्स दे चुका हूँ, ठीक है, इसी एक्सपर्ट ट्रेनिंग के अंदर ही मैंने दिया हुआ, आप वहां से ज्यादा जानकारी ले सकते हो। इसके बाद जो आ जाती है वो होस्टिंग, तो होस्टिंग के लिए होस्टिंग जो होता है होस्टिंग 3 टाइप्स को देख, होता है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा होता है VPS होस्टिंग, और तीसरा होता है डेडिकेटेड होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग जो होता है वो बेसिक होता है और बिगिनर के लिए बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो मैं एज ए बिगिनर आप सभी को रिकमेंडेड करता हूँ आप शेयर होस्टिंग ले, ठीक है, रिकमेंड करता हूँ मैं शेयर होस्टिंग ले, ठीक है। और शेयर होस्टिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि हो गया आपको होस्टगेटर हो गई, ठीक है, और आप ले सकते हो होस्टिंगर से ले सकते हो, ठीक है, आप ले सकते हो होस्टिंग राजा से ले सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा आप ले सकते हो गोडैडी से भी ले सकते हो, ठीक है, और आप नेमचीप का भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब की होस्टिंग को मैं प्रिफर करता हूँ, आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो होस्टिंग गई, और तो शेयर होस्टिंग गई, ठीक है, और VPS होस्टिंग जो कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये आपको प्राइवेट एक IP देती है, मतलब आपके होस्टिंग के ऊपर पूरा कंट्रोल देता है। और इसका आप चाहो तो आप होस्टिंग का भी दूसरा जो होस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब इसका भी आप पेयर क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको VPS होस्टिंग होस्टिंग के चाइल्ड होस्टिंग क्रिएट कर देते हैं, मतलब आप होस्टिंग के ऊपर आपको पूरा कंट्रोल रहते हैं, ठीक है। तो इसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहा जाता है, VPS होस्टिंग, जो कि फास्ट भी होती है, ठीक है, आपकी वेबसाइट को स्पीड भी है बढ़ा देती है। उसके अलावा जो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, आपको डेडिकेटेड IP मिलती है, ठीक है। आप चाहो तो होस्ट डेडिकेटेड IP से और भी होस्टिंग
अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, डेडिकेटेड आईपी से। तो ये डेडिकेटेड होस्टिंग होता है, ये थोड़ा महंगा होता है, बहुत ही महंगा आती है डेडिकेटेड होस्टिंग, और इसका स्पीड सबसे फास्ट होती है, चाहे वो शेयर होस्टिंग हो वीपीएस होस्टिंग हो, इस दोनों होस्टिंग से कई गुना फास्ट होती है डेडिकेटेड होस्टिंग। और ये इसका जो प्राइस होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर सर्च करोगे, ठीक है, तो शेयर होस्टिंग, ठीक है, शेयर होस्टिंग को पकड़ के आप यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है, तो शेयर होस्टिंग के आपके बहुत सारे आ जाएगी कि शेयर होस्टिंग कहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो जहाँ से आपको चीप लगे, जिसका होस्टिंग अच्छा लगे आपको, ठीक है, आप वहां से खरीद लीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया कि आपको अगर शेयर होस्टिंग लेना है तो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा इसका डिटेल दे चुका है होस्टगेटर से। पहला जो होता है होस्टगेटर, होस्टिंग गार्ड या होस्टिंग राजा, यहाँ से ले सकते हो, गोडैडी नेमचीप, ठीक है। और वीपीएस होस्टिंग का भी आपको लिस्ट मिल जाएगा, अगर आपको चाहे तो ले सकते हो, लेकिन इसका अभी फिलहाल बेसिस आप बिगिनर की तरफ से वीपीएस को मत लीजिए, डेडिकेटेड का भी आपको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आप शेयर होस्टिंग से ही स्टार्ट कीजिए, और उनका रजिस्ट्रेशन में से आप होस्टिंग को खरीद लीजिए। और एक जो बोनस में एक बात बोलता जाऊँ, ठीक है, बोनस में एक बात बोलता है, जो जहाँ से आप होस्टिंग लोगे वहाँ से डोमेन मत बाई करना, ठीक है। मतलब आपने डोमेन बाई किया है, मान लीजिए डोमेन आपने बाई किया है गोडैडी, तो होस्टिंग आप गोडैडी से मत लो, ठीक है। होस्टिंग आप कहीं और से ले लो, जैसे कि होस्टगेटर से ले लो, क्योंकि मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ से डोमेन लेते हो वहाँ से होस्टिंग मत लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी इशू प्रॉब्लम कुछ भी होता है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो, या फिर मेरे ग्रुप के अंदर, ठीक है, BSU एक्सपर्ट, ठीक है, ग्रुप के अंदर आप आ सकते हो, BSU एक्सपर्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप पोस्टिंग वगैरह करके मुझे टैग कर दीजिएगा, ठीक है, तब मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। या फिर आप, आपको जो इस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।